पहले हमने सोचा कि तुझे यहां से इज्जत से लेकर जा, फिर इन सब ने बताया कि लोगों के घरों में रेड मारने का तेरा यही तरीका था, तो फिर हम तेरी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? चलो शाबाश, चुप करके बाहर डाले में जाकर बैठ जाओ। सलाम अलैकुम बीबी। वालेकुम सलाम, बैठो। शीदो। जी बीबी। लस्सी पानी का इंतजाम कर। अच्छा बीबी, लेके आती हूँ। बीबी, शाज़ेब साईं का कत्ल जहां साईं ने किया है, फूल बनेड़ो साई, आसियाबाद कर, मैं निकाह के लिए तैयार हूं। मेरा मूड बड़ा अच्छा है, रात छड़ दे, मेरा मूड खराब ना कर। मैं को कुछ सवालों का जवाब दे, फिर चला जाए। इतना टाइम कोई नहीं मेरे पास, कोई राह देख रहा है मेरी, राह छड़। ज़ुलेखा भी मेरी राह देख रही है, अपनी बहन के अथरों का हिसाब लेने आया हूँ। बोल, क्यों कटा उसे हवेली से? उसी से पूछ लेना जाके। उससे पूछ लिया, मैं तेरे से पूछने आया। इतने बंदों के सामने तू अपनी बहन के करतूत सुनना चाहता है? जादेव, तेरे से कई ऊंची आवाज में बोल सकता हूं मैं, पर जहां जहां मेरी आवाज जाएगी ना, किस्ती तेरी भी है और मेरी भी है। बेहतर होगा हवेली जाके अपनी बहन से ही पूछ, तेरी बहन की इज्जत हवेली में रह जाए। क्या बोले? मेरा गिरेबान पकड़ता है, जैसे बता नहीं का बीबी, मुझे बचाए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने वजाहत को नहीं मारा, वो बिल्कुल वैसे मरा जिस तरह भारंगा अपनी गोली से मरा। तो मुबशर का कोई कसूर नहीं है ना, इसी तरह मेरा भी कोई कसूर नहीं है। बीबी, मुझे यहां से निकालो। चल, कुछ देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि वजाहत को तुमने नहीं मारा है। पंचायत जो फैसला करेगी मुझे कबूल है। पंचायत फैसला करती है कि जहां जेब जुलेखा को तलाक देगा और उसके निकाह में जो दूसरी सवाणी है उससे पैदा होने वाली पहली बेटी वजाहत के खानदान में वनी करेगा,
और अगर बेटी पैदा नहीं होती तो वजाद के खानदान को हक हासिल होगा कि वो जहांजेब को कत्ल कर दे। मकतूल का नाम शाहजेब, मुदई जन्नत बीबी। कातिल का नाम जहां से लिखो, जल्दी लिखो, इससे पहले कि मकतूल की मां कातिल की मां की बात मान ले। लिखो। बीबी, 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 वो मुझे गिरफ्तार करने आया है, मुझे बचा ले, पर्चा वापस ले ले बीबी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। तो सब कुछ करता मेरे पुत्र को ना मारता। ताकत के नशे से अंधा कर दिया था मैं, आसिया को हासिल करने की लालच में पागल हो गया था मैं बीबी। जेबी को इसलिए मारा कि जिंदा रहता तो आसिया उसकी हो जाती, मुझे बचा ले बीबी, मुझे फांसी हो जाएगी, मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है, मेरा तो नाल लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा बीबी, मुझे बचा ले, मुझे फांसी से बचा ले बीबी। फांसी से डर रहा है तू? तेरी बेटी बनी होगी उसकी फिक्र नहीं है, वो जो अभी तक दुनिया में नहीं आई। और इस बेगानी लड़की का क्या कसूर है जो बनी होकर इस घर में आई और अब उसकी बेटी बनी होगी? तो पहले भी तो बेटियां बनी होती रही हैं, एक और हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी बीबी, मेरी जान तो बचेगी ना। क्यों? तेरी जान ज्यादा कीमती है क्योंकि तू मर्द है, औरत की जान की कोई कीमत नहीं। बेटी तो बस इसलिए पैदा होती है ना कि अपने बाप, अपने भरा, अपने अपने मर्द के लिए कुर्बान हो जाए। सब गलत है, गलत है ये सब, अब नहीं होगा। बेटी बचेगी, हमें बेटा कुर्बान हो। ये पिस्तौल आपने मेरे हाथ में रखी थी, इसी से गोली मारते मुझे, मुझे फांसी नहीं चाहिए। ये पिस्तौल मैंने तुझे इसलिए तो नहीं दिया था कि तू मेरे पुत्र को ही मार दे, समझाया था तुझे कि गोली से नहीं, अकल से डरा, पर तू नहीं समझा। तेरी अकल तो गोली से भी छोटी निकली और उस लड़की को देख तुझसे बहादुर तो वो लड़की है क्योंकि वो हक पे है, सच्ची है, और तू गुनाहगार है, मुजरिम है।
बीबी नबेड़ इस गल को खत्म कर मेरी कहानी, मुझे फांसी नहीं चढ़ना, ठोक मेरे मत्थे में गोली ठोक। बीबी चंगा नहीं किया तूने मेरे साथ, मैंने तो बस एक गलती की थी, तुझे वह नहीं किया था, और तूने मेरे तीनों बेटे खत्म कर दिए, पर फिर भी फखर है मुझे तेरे औरत होने पर, अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी, साबित कर दिया कि औरत साथ अगर चाहे तो मर्द को हरा सकती है। पंचायत फैसला करती है कि मुबशर का कोई कसूर नहीं था, हरासिया आज से बनी नहीं है, बाइज्जत है, जैसे चाहे जहां चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकती है। हो सके तो मुझे माफ कर देना आजिए। इतने दिन तेरे पास नहीं आई, तेरा कातिल ढूंढ रही थी, अब मिल गए और मुझे तेरा कातिल तेरा अपना भरा क्या से उसके लिए फैसला कर दिया। अब अपना फैसला करूंगी, आऊंगी तेरे पास,
जगा।